कोरोना का प्रसार रोकने में N95 मास्क असफल, सरकार ने जारी की एडवाइजरी, राज्यों को रोक लगाने का निर्देश। अपने कर्मचारियों की संख्या में इंडिगो करेगी कटौती, कहा मौजूदा हालात में कंपनी को चलाने के लिए कुछ बलिदान जरूरी। चेक बाउंस से जुड़े कानून में बदलाव का व्यापारी संगठनों ने किया विरोध, कहा ढील देने से अपराध बढ़ेगा और कारोबार होगा प्रभावित। पीएम मोदी ने आईबीएम सीईओ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की बात, कहा भारत में निवेश के लिए अच्छा समय, टेक सेक्टर में निवेश का स्वागत कर रहा है देश। आने वाले समय में देश में केवल 5 सरकारी बैंक करेंगे काम, पीएसयू बैंकों के निजीकरण की तैयारी में सरकार। ओडिशा में दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाने के लिए एनएचपीसी ने जीईडी कोल से किया है करार, चीन के सबसे बड़े 120 मेगावाट के मुकाबले भारत में बनेगा 500 मेगावाट का प्लांट। ल्यूपिन के जेनरिक प्रोडक्ट के 158 एप्लीकेशन अमेरिका एफडीए के पास मंजूरी के इंतजार में, कुल रेवेन्यू में 6,000 करोड़ का है योगदान। डेयरी बाजार के बदले जेनरिक दवाओं में तरजीह चाहता है भारत, अमेरिका के साथ ट्रेड डील का राष्ट्रपति चुनावों से पहले हो सकता है ऐलान। अमेरिका ने जियो को क्लीन टेलीकॉम कंपनियों की लिस्ट में किया शामिल, कहा हवावे जैसी कंपनियों के साथ नहीं करेंगे कारोबार। और वायरलेस ब्रॉडबैंड के लिए एजीआर लाइसेंस फीस को घटा सकती है सरकार, 1 रुपए की जा सकती है फीस।